रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार सावन के आखिरी सोमवार यानी 3 अगस्त को पड़ रहा है। ये रक्षाबंधन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद आया है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्यौहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर को 1:35 से लेकर शाम के 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात के 9:30 के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस बार रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस संयोग में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घायु योग है, यानी भाई बहन दोनों की ही आयु लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही 3 अगस्त को सावन की पूर्णिमा है। ऐसा संयोग बहुत कम आता है कि सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए। इसके अलावा 3 अगस्त को चंद्रमा का ही श्रवण नक्षत्र है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आपस में सप्तक योग बना रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। ऐसा संयोग 29 साल बाद आया है।